Morning student, I hope you all are well and enjoyed your holidays. Now, in the last class of ENV, we did the revision of chapter number 9 up to yes or no. Now, we will be moving forward with the C part, circle the pictures that show things we get from plants. तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट से हमें जो जो चीज़ें मिलती है, मतलब इन पिक्चर में से बताना है कि जो जो प्लांट से हमें मिल रहा है उनको हमें सर्कल करना है, पिक्चर को देख के बताना है। तो पहली पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? पेपर। तो पेपर क्या हमें प्लांट से मिलता है? सबको पता है कि प्लांट्स में जो वुड होता है उस वुड को हम पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यस, हमें पेपर जो है वो प्लांट से मिलता है, इसलिए वी विल सर्कल दिस पिक्चर। नाउ सेकेंड पिक्चर इज द मैंगो। क्या हमें मैंगो यानी कि फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं? यस। तो यस, हमें मैंगो प्लांट से मिलता है, यस वी विल सर्कल दिस। ओके, नाउ थर्ड पिक्चर इज ऑफ मिल्क। क्या मिल्क हमें प्लांट से मिलता है? नो, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, लेकिन सर्कल हमें वही करना है जो हमें प्लांट से मिलता है, यानी कि मिल्क हमें प्लांट से नहीं मिलता है, इसलिए मिल्क को हम सर्कल नहीं करेंगे। ऑलराइट, नाउ फोर्थ पिक्चर इज अ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होता है? वेजिटेबल। और वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो वेजिटेबल को हम सर्कल करेंगे या नहीं? सर्कल करेंगे, क्योंकि यस, वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलता है और हमें यही बताना है कि प्लांट से हमें जो जो मिलता है हमें उसको सर्कल करना है। ओके, नाउ फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ अ ड्रेस। क्या हमें कपड़े प्लांट से मिलते हैं? तो यस, कपड़े बनाने के लिए जो धागे यूज़ होते हैं वो हमें कॉटन से मिलते हैं, और कॉटन हमें क्या मिल कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो कपड़े हमें प्लांट से मिलते हैं, यस। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज ऑफ अ नाइफ। क्या नाइफ हमें प्लांट से मिलता है? नो, नाइफ हमें प्लांट से नहीं मिलता, इसलिए वी विल नॉट सर्कल द नाइफ। तो हम नाइफ को जो है सर्कल नहीं करेंगे। सेवन्थ पिक्चर इज ऑफ अ सेलफोन। सेलफोन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से नहीं मिलता है, इसलिए सेलफोन हम सर्कल नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें सर्कल वही करना है जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? पेपर, मैंगो, कॉलीफ्लावर एंड अ ड्रेस। ओके, नाउ डी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द वीट प्लांट डू वी ईट। वी हैव ऑलरेडी डन दिस स्टूडेंट्स, आई होप यू नो द आंसर्स ऑफ इट। तो पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वीट प्लांट डू वी ईट। हम वीट प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? हम वीट प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं? सीड पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी ईट सीड पार्ट ऑफ द वीट प्लांट। क्या खाते हैं? सीड पार्ट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? सीड पार्ट ऑफ द वीट प्लांट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम एनी टू एनिमल्स दैट टेक शेल्टर इन द ट्रीज। अभी बताना है कि ट्रीज में अपना घर कौन बनाता है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट एनिमल को लिखेंगे स्क्विरल। गिलहरी सबने देखी है, गिलहरी पेड़ों पे चलती है, तो हम स्क्विरल लिखेंगे। स्क्विरल की स्पेलिंग है SQUIRRER, स्क्विरल। नाउ सेकेंड इज मंकी। मंकी सबने देखा है, मंकी का बंदर होता है ना, बंदर पेड़ पे उछलता रहता है, तो मंकी कहाँ घर बनाता है? अपना पेड़ पे। तो हम सेकेंड आंसर में लिखेंगे MONKEY, मंकी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट इज नेम अ क्लॉथ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम द प्लांट्स। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, आई होप यू ऑल नो इट बाय नाउ। ऐसा कौन सा क्लोथ है जो हमें प्लांट से मिलता है? तो हमें कौन सा क्लोथ मिलता है? कॉटन क्लोथ। तो आंसर में क्या आएगा? कॉटन क्लोथ इज मेड फ्रॉम द प्लांट्स। कॉटन क्लोथ हमें हम प्लांट्स से बनता है। ऑलराइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज नेम अ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट दैट इज यूज टू मेक हाउसेस। ऐसा मटेरियल बताना है प्लांट्स का जिसे हम घर बनाने में यूज करते हैं।
कौन सा मटेरियल होता है? वुड। गांव में सबने देखा है घर किससे बनते हैं, पेड़ की वो जो ब्राउन पार्ट होता है उससे घर बनते हैं, देखा है आपने? तो वो ब्राउन पार्ट क्या होता है? वुड होता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट दैट इज यूज टू मेक हाउसेज, यानी कि हमें प्लांट से वुड मिलता है जिससे हम घर बनाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑफ इट बाय नाउ। नाउ मेमोराइज दीज क्वेश्चंस प्लीज एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। दैट्स इट।